Welcome to YouTube channel of InfoWiz Chandigarh. Here is your video. Hello friends, आज हम डिस्कस करेंगे PHP के एक प्रोजेक्ट के बारे में, that's electronic shopping. Electronic shopping एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को परचेज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. सो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें अगेन यहाँ पे क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माय एडमिन. यहाँ पे लिखा है आपके पास क्रिएट अ न्यू डाटाबेस. नाउ डाटाबेस नेम इज योर शॉपिंग. क्लिक ऑन द क्रिएट बटन. क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल को इम्पोर्ट कराना है. सो क्लिक ऑन द इम्पोर्ट बटन. Now that's choose file. Choose file में आपको क्या काम करना है, अपनी SQL फाइल को choose करना है. Now that's my file shopping.sql, जिसके अंदर हमारे पूरा का पूरा वेबसाइट का डाटाबेस स्टोर पड़ा है. Now click on the go button, जिससे हमारा ऑटोमेटिकली डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा. सो मेरे पास यहाँ काफी सारे टेबल्स आ रखे हैं, बिकॉज दैट्स माई मेजर प्रोजेक्ट इन द PHP. सो इसके अंदर हमारे पास काफी सारे टेबल्स हैं. एड प्रोडक्ट्स वन, बुकिंग का है, डेमो का है, फीडबैक का है, लॉगिन का है, रजिस्ट्रेशन का है. सो लॉट्स ऑफ टेबल्स आर देयर. नाउ इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल आइटम्स है, लाइक फॉर एग्जांपल कैमराज है हमारे पास, तो काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है हमारे पास. नीचे आपके पास पेजिनेशन सिस्टम लगा हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर वो पेज शो हो जाएगा. जितने भी उस पे आइटम्स हैं वो आपको शो होने शुरू हो जाएंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आप मेमोरी कार्ड भी ले सकते हैं, आप कीबोर्ड भी ले सकते हैं, आप मल्टीपल चीजें यहाँ पे अवेलेबिलिटी है. आप कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपको लगता है कम प्राइस में मिल रहा है, आप यहाँ से वो चीज परचेज कर सकते हैं. सो ओवरऑल हमारे इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट पैनल है एडमिन पैनल, जो लॉग इन होगा आपका एडमिन एंड द एडमिन. एडमिन email id it's your admin and the password is your admin. click on the sign in. so is project ke andar aapke paas yahan pe kafi sare option aa gaye, home ka, add product ka, show user ka, show order ka, show products ka and the view feedbacks. so add product mein aapke paas kya hai ki like aapko lagta hai ki aapko koi naya product add karna hai, so aapke paas multiple option hai. company name ho gaya, model number ho gaya, categories ho gaya, sub categories, price, color, feature, image. aap yahan pe koi bhi ek product ko add kar sakte ho, ठीक है. सेकंड, शो यूजर. शो यूजर में आपके पास क्या आएगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से पर्सन अवेलेबिलिटी हैं, तो वो सारे के सारे पर्सन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे. क्लियर. नेक्स्ट, शो ऑर्डर में आपके पास क्या है, ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, किसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, वो प्रोडक्ट की आपको पूरी डिटेल आ जाएगी. क्लियर. सेकेंड, आप डिटेल्स पे क्लिक करोगे देन आपको उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाएगी कि यूजर कौन है, ईमेल आईडी क्या है, मॉडल नंबर क्या लिया है उसने, कौन सा प्राइस प्रोडक्ट को परचेज किया है, कौन सी डेट को किया है, कौन से टाइम को किया है एंड अभी उसका स्टेटस क्या पड़ा. लाइक फॉर एग्जांपल ये पेंडिंग पड़ा है हमारे पास. शो प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या जाएगा, आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, प्लस मुझे उस प्रोडक्ट्स की मोर इमेजेस देखनी है. नाउ क्लिक ऑन दिस बटन एंड दैट्स माय इमेजेस. सो ये सारी की सारी आपको वो इमेजेस शो हो जाएंगी. सेकेंड, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रखा है डिलीट का, कि अगर जो आपको ये प्रोडक्ट डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो, अपडेट करना है देन आप इस प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हो. क्लियर. व्यू फीडबैक्स में आपके पास क्या है, काफी तरह के फीडबैक्स आने शुरू हो जाएंगे जो नॉर्मली हमारी वेबसाइट पे पर्सन फीडबैक डाल सकता है. लाइक सेकेंड, हमारे पास क्या है कि जो फीडबैक हमारी वेबसाइट पे आए हैं हम उसको डिलीट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको डिलीट भी करवा सकते हैं. क्लियर. एंड लॉग आउट करके मेरा ये पैनल बंद हो जाएगा. सो मेरे एडमिनिस्ट्रेटर पैनल में आपने देखा होगा काफी सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट ऐड भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कल मुझे कोई प्रोडक्ट में चेंजेस करना है तो मैं उस प्रोडक्ट में चेंजेस भी कर सकता हूँ. सो मल्टीपल मेरे पास यहाँ पे चीजें अवेलेबिलिटीज हैं. सेकेंड, आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, सो फॉर एग्जाम्पल आप मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ये प्रोडक्ट आ जाएगा, मुझे इस प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, उसकी मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी. नाउ क्वांटिटी में मैं क्या डालता हूँ कि मेरे को वो कितनी क्वांटिटी में चाहिए. ठीक है. सो मैंने यहाँ क्वांटिटी में डाल दिया 2. एड टू कार्ट. एड टू कार्ट करने के बाद वो मेरे को क्या बोल रहा है कि मेरे को सबसे पहले अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मैं कोई प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूँ. सो मैं अपना अकाउंट लॉग इन करता हूँ, देन आफ्टर दैट क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक लॉग इन पैनल रखा था,
इस लॉगिन पैनल में मुझे अपनी अकाउंट की ईमेल आईडी एज वेल एज पासवर्ड डालना है। सो मैं यहाँ पे डमी कोई भी एक यूजर की आईडी एंड पासवर्ड पिक कर सकता हूँ फॉर द डाटाबेस। सो दैट्स माय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर मेरे पास कुछ ईमेल आईडीज एंड कुछ पासवर्ड आ रखे हैं। मैं यहाँ से किसी का भी एक पर्सन का ईमेल आईडी उठाता हूँ। सो दैट्स माय ईमेल आईडी एंड दैट्स द पासवर्ड। दैट्स पासवर्ड एंड साइन इन। ये मेरे पास उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स खुल गई जो मैं प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ। सो ये आ रहा है मेरे पास 877, उसका प्राइस आ रहा है, सब कुछ मेरे पास उसकी पूरी डिटेल आ रही है। मैं ये दो प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ। सो क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में मेरे पास क्या आ गया, उसका टोटल अमाउंट बनकर आ गया कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अमाउंट मुझे क्या पे करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है। सो मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। कंटिन्यू शॉपिंग में मेरे पास क्या है, अगेन मैं कोई और प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल दैट्स द कैमरा। सो मैं ये कैमरे के अंदर मेरे पास उसकी पूरी डिटेल खुल गई, लाइक मुझे ये आइटम देखनी है मिनी कैमरा। सो मेरे पास ये मिनी कैमरा आ रखा है। सो ये कैमरा मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं ये वन ही खरीदना चाहता हूँ बिकॉज दैट्स काफी कॉस्टली है ये 40,000। और ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट करने पे मेरे पास दो आइटम्स आ गई। सो फर्स्ट जो मैंने पहले खरीदी थी एंड सेकंड जो मैं लॉग इन करने के बाद खरीदा था। सेकंड जो फर्स्ट आइटम थी वो मैंने लॉग इन करने से पहले अपने कार्ट में सेलेक्ट कर ली थी। मेरे पास यहाँ लिखा आ रहा है कि मैंने कितने नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करी है, दैट्स टू आइटम्स। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। सो डिलीट करने के बाद मेरे पास जो नंबर ऑफ आइटम बचेगी वो कितनी बचेगी, वन। मैंने जो अभी तक परचेज करी है दैट्स सिंगल आइटम। शो प्रोडक्ट में मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। माई बुकिंग्स में मेरे पास मेरी बुकिंग्स आ जाएंगी। चेंज पास चेंज प्रोफाइल में मैं अपनी प्रोफाइल में कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। सेंड फीडबैक में, लाइक मैं कोई फीडबैक सेंड करना चाहता हूँ तो मैं वो भी यहाँ से सेंड कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक स्मॉल फोन लेना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्मॉल फोन्स भी खुल जाएंगे। सो अगर जो मैं स्मार्टफोन लेना चाहता हूँ, स्मार्टफोन में आपके पास यहाँ पे एक फोन आ रखा है 8,000 कुछ का एक फोन है। सो ये फोन लेना चाहता हूँ, ये फोन ले सकता हूँ मैं। कंप्यूटर एक्सेसरीज में मेरे पास हेडफोन्स आ रखे हैं। सो मैं कोई हेडफोन लेना चाहता हूँ तो मेरे पास ये हेडफोन्स आ रखे हैं। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैं अपने इस प्रोजेक्ट में परचेज कर सकता हूँ। सो दैट्स माई हेडफोन। सो मैं इनकी एक आइटम को परचेज करना चाहता हूँ, ऐड टू कार्ट। तो मेरे पास यहाँ टोटल दो आइटम्स हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट करने से मेरे पास क्या हो गया, योर ऑर्डर इज बुक। मतलब मैंने यहाँ पे अभी एक ऑर्डर को बुक कराया है जिसमें मेरे पास दो आइटम्स थी। नाउ मैं वो दो आइटम्स कैसे देख सकता हूँ, माय बुकिंग्स पे जाके। नाउ क्लिक ऑन बुकिंग आइटम एंड मैंने अभी एक आइटम बुक कराई है, दैट्स वन ऑफ 149 की एंड दैट्स 39993। क्लियर। सो मैंने दो आइटम अभी परचेज करी है। लॉग आउट करके मैं जैसी ही दो, सो मेरे पास यहाँ पे क्या था, यूजर मॉड्यूल। यूजर मॉड्यूल में आपके पास काफी सारी चीजें आ रखी थी जिसमें यूजर क्या कर सकता था, कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज कर सकता था, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता था, अपने प्रोफाइल में कोई भी चीज एडिट करनी है वो कर सकता था, कोई फीडबैक सेंड करना चाहता था वो कर सकता था। नाउ अब मैं एडमिन पे जाके देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ऑर्डर मैंने अभी बुक कराया वो ऑर्डर आया कि नहीं आया। सो मेरे अकाउंट की ईमेल आईडी थी एडमिन एंड द पासवर्ड इज योर एडमिन। नाउ इन द एडमिनिस्ट्रेटर शो ऑर्डर में आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। नाउ ऑर्डर इज, सो लास्ट में मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास जो ऑर्डर आया है वो क्या आया है। सो देयर आर टू ऑर्डर्स, फर्स्ट इट्स पेंडिंग एंड सेकंड अगेन पेंडिंग। सो मेरे पास दो ऑर्डर आए हैं जो अभी क्या पड़े हैं, पेंडिंग। अपडेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे पेंडिंग की बजाय क्या आ जाएगा, सेंड। कि मैंने यहाँ से ये जो ऑर्डर थे वो सेंड कर चुका हूँ। मतलब मैं ये अपने कोरियर बॉय के थ्रू या जिस तरह से भी मैं ये पहुंचाना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ से पहुंचा सकता हूँ। सो दैट्स ए मेजर प्रोजेक्ट इन द पीएचपी। पीएचपी का एक मेजर प्रोजेक्ट है दैट शॉपिंग कार्ट, जिसमें आपने काफी सारी चीजें लगाई हैं, काफी सारे ऑप्शन इसमें हमने दिया है, सर्चिंग का प्रोसेस दिया है, जीक्वेरी लगाई है जिसके थ्रू हमारा ये सारा प्रोसेस चल रहा है। सो दैट्स द प्रोजेक्ट इन पीएचपी। Please subscribe our channel for more videos. Thank you.